ओवरऑल यही गाड़ी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है और मार्केट में जो एक किंग अपने सेगमेंट में रहती है, आई है और रह रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्स इन्फो। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं लॉर्ड एल्टो, या फिर कह सकते हैं गाड़ियों का किंग, जिसका नाम है एल्टो और ये है एल्टो K10। और ये आज आपके सामने सबसे टॉप एंड वेरियंट VXi प्लस जो है वो आपके सामने खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको एल्टो का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एल्टो में जो है आपको टोटल 4 वेरियंट देखने को मिलते हैं। सबसे बेस्ट वेरिएंट स्टैंडर्ड, उसके बाद LXi, VXi और सबसे टॉप एंड वेरिएंट VXi प्लस। इसमें जो है कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं, आप नीचे डिस्प्ले में देख सकते हैं। और इंजन ऑप्शन की बात करें, सिर्फ एक ही इंजन आता है, जो कि है K सीरीज का 1 लीटर पेट्रोल इंजन। और ये इंजन जो है ये एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। और अगर बात करें प्योर पेट्रोल की, तो प्योर पेट्रोल में जो है आपको 65 BHP की जो है पावर मिल जाती है। वहीं CNG वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 55 BHP की पावर मिलती है। और जो प्योर पेट्रोल है उसमें आपको 89 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं CNG वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 82 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा। एवरेज की बात करें तो पेट्रोल में आप इस गाड़ी से 20, 21, 22 के रेट निकाल सकते हो। वहीं CNG वाला जो वेरिएंट है वो आपको आराम से 28, 30 के बीच जो है पर KG एवरेज जो है वो दे देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको मिलती है 3530 mm की। वहीं गाड़ी की जो विड्थ है वो आपको मिलती है 1490 mm की। और बात करते हैं इस गाड़ी की हाइट की, तो वो आपको मिलती है 1520 mm की। वहीं इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपको मिलता है 2380 mm का। तो चलिए अब आपको सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन बे दिखा देते हैं। गाड़ी में जो है आपको 2 की मिलती है। पहली जो है वो आपको रिमोट लॉकिंग के साथ मिलेगी। फ्लिप की का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मारुति की टिपिकल की जो है वो आपको मिलती है, मारुति का लोगो मिल जाता है। और सेकंड की जो है वो आपको नोरो मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं बोनेट के वेट की, तो बोनेट वेट जो है वो कुछ खास नहीं है, हल्का सा है। इवन मैं एक अंगुली से जो है वो इसको पुल कर पा रहा हूँ। उसके अलावा बात करते हैं इंजन की, तो यह है इस गाड़ी का K सीरीज का 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर मैंने आपको बता ही दी। और यहाँ पर जो है स्पेस सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे इतना स्पेस जो है वो आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि गाड़ी छोटी है। फ्रंट में जो है आपको हैलोजन बल्ब के सेटअप के साथ जो है रिफ्लेक्टर बेस आपको जो है हेडलैम्प मिल जाते हैं। हैलोजन बल्ब जो है वो भी इसमें मिल जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे जो है आपको हेडलाइट लैम्प जो है वो मिल जाता है। पार्किंग बल्ब जो है छोटा सा आप देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रिल जो है वो यहाँ पे आपको हनीकॉम पैटर्न के साथ मिलती है। मारुति का लोगो मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है और बॉडी कलर जो है वो आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। तो चलिए अब साइड प्रोफाइल में चलते हैं। और साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि डोर हैंडल जो है वो तो आपको बॉडी कलर मिलते हैं, बट ओआरएम जो है वो आपको ब्लैक मैट मिशन मिलते हैं। टायर साइज़ की बात करते हैं तो 145/80R13 का टायर साइज मिलता है। और व्हील कवर जो है वो आपको कंपनी से ही मिलता है इस वाले वेरियंट में। इससे नीचे वाला जो वेरियंट है, जो बेस वेरियंट और सेकेंड बेस है, उसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलते। फेंडर पे जो आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर है। उसके अलावा ऊपर जो आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। एल्टो का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 167 mm का। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मारुति की ये जो एल्टो है इसके कॉम्पिटिशन में दूसरी कंपनियों की कोई भी गाड़ी नहीं है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टाटा की, तो उसके पास एंट्री लेवल गाड़ी है टियागो, जो कि कॉम्पीट करती है मारुति स्विफ्ट और वैगन आर से। हुंडई के पास जो अभी i10 है, पहले सेंट्रो जरूर थी जो कि इससे कंपटीशन करती थी, लेकिन अब सेंट्रो जो है वो बंद हो चुकी है आपको पता है। इसके अलावा क्यूड है, तो क्यूड का इतना कुछ मार्केट जो है वो है नहीं। तो ओवरऑल यही गाड़ी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है और मार्केट में जो एक किंग अपने सेगमेंट में रहती है, आई है और रह रही है, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब रियर प्रोफाइल की बात करते हैं। तो रियर में आप देखेंगे ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ग्लास जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा गया है, मीन्स यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलता। एल्टो K10 की बैजिंग जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाती है, मारुति की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ से जो आप फिजिकली इसको जो है बूट एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है अंदर से बूट लीवर मिल जाता है ओपन करने के लिए। यह इस गाड़ी का 212 लीटर का बूट स्पेस। पार्शल ट्रे जो है वो आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। इसके अलावा स्पेयर टायर जो है वो नीचे की तरफ प्लेस किया गया है और ये आपको सेम साइज का मिलता है 145/80R13 का। टूल किट जो है वो अंदर रखी गई है, जो कि पैकिंग के अंदर अभी की गई है, उसको बाद में आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। टेल लाइट सेटअप जो है वो आपको हैलोजन बल्ब में मिलता है। ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट, ब्रेक की लाइट जो है वो आपको मिल जाती है। रियर में जो आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे जो आपको रियर एग्जॉस्ट जो है वो दिया गया है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया दिया 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। छोटी मोटी ऑफ रोड जो है वो आप इस गाड़ी से आराम से कर पाओगे।
चलिए अब चलते हैं अंदर। दोस्तों आपको पता है एल्टो जो है वो एक छोटी गाड़ी है, या फिर कह सकते हैं एंट्री लेवल गाड़ी जो है वो एल्टो है। तो मेरे को जो है गाड़ी चलाते टाइम बिल्कुल स्पेस जो है वो अच्छा खासा चाहिए होता है। मेरे को स्टेयरिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह चाहिए होता है कि स्टेयरिंग जो है मैं बिल्कुल फ्लैट हैंड से जो है वो घुमा सकूँ। कुछ लोग ऐसे चला लेते हैं बट मेरे से ऐसी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलती। और लेग रूम आप देख सकते हैं मेरे को कितना ज़्यादा चाहिए होता है। या फिर अगर मैं मजाक मस्ती में कहूँ तो मेरे लिए जो है SUV गाड़ी जो है वही बनी है, ऐसी छोटी गाड़ियाँ जो है वो मेरे लिए नहीं बनी। तो चलिए अब रियर में चलते हैं और देखते हैं कि भाई मेरे हाइट का बंदा अगर ड्राइव करता है तो पीछे कितना स्पेस बचता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस जो है वो तो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करो किसी सेडान के साथ तो वो गलत होगा, क्योंकि ये भाई छोटी गाड़ी है, एंट्री लेवल गाड़ी है, तो उसी हिसाब से जो इसमें स्पेस आपको मिलता है। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छा खासा है। लेग रूम जो है वो इनफ है, ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ अच्छा है, इनफ है। और रियर सपोर्ट भी अच्छा है। और अब रियर में आ ही गए हैं तो कंफर्ट की बात कर ही लेते हैं। तो रियर कंफर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। हेडरेस्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं, और इसमें जो है आपको 4 फिक्स हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं, ऊपर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम इनफ है, ये नहीं कहूँगा कि सब ज़्यादा है। अगर मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का बंदा बैठ जाता है तो उसको जो है हेडरूम में शिकायत जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है नोब मिल जाती है, या फिर कैसे रोटेटर, जिससे विंडो को अप या डाउन जो है वो किया जाता है। डोर ओपनिंग लीवर जो है वो आपको स्लो फिनिश में मिल जाता है। लॉक एंड अनलॉक का स्विच जो है वो मिल जाता है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, डोर ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको 3 सीट बेल्ट जो है वो मिल जाते हैं। सेंटर वाला सीट बेल्ट जो है वो आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो नहीं मिलता, नॉर्मल सीट बेल्ट मिलता है। और बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा हम्प जो है वो मिल जाता है। सेंटर में आपको एक छोटा सा कप होल्डर या फिर कह सकते हैं बोतल होल्डर जो है वो मिल जाता है। और सीट्स के पीछे जो आपको कोई भी पॉकेट जो है वो नहीं मिलती है। चलिए वापस आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फ्रंट में आ गए हैं और सबसे पहले बात लेते हैं स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसके अलावा टॉगल्स की बात करते हैं तो राइट साइड के टॉगल में जो आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, और लेफ्ट साइड के टॉगल में आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, जो कि मीडिया के हैं। इसके अलावा नीचे जो है आपको टेलीफोनिक कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, स्लो फिनिश मिल जाती है, और इसको जो है एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। उसके अलावा बात करते हैं कुशनिंग की, तो यहाँ पे जो है फैब्रिक का यूज़ किया गया है। और थाई सपोर्ट अच्छा है, रियर सपोर्ट अच्छा है, साइड सपोर्ट अच्छा है, और ड्राइविंग क्वालिटी जो है वो मेरे को अभी तो यही फील हो रही है कि हाँ भाई गाड़ी जो है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म जो है वो करने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो वो तो देखिए ड्राइव क्वालिटी के दौरान ही पता चलेगा कि भाई इसकी बॉडी रोल कैसा है, उसके अलावा इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसकी कभी और बात करेंगे। और सेंटर में आप देखते हैं तो सेंटर में आपको एयर वेंट मिल जाते हैं, इसी के जस्ट नीचे आपको 7 इंचेस टच डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है मीडिया, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, सारी जो कनेक्टिविटी जो होती है वो सारी जो है इसमें सपोर्ट की जाती है। उसके अलावा बीच में आपको हैजार्ड का बटन मिल जाता है। फ्रंट पावर विंडो के स्विच जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये थोड़ा सा अलग लगा दोस्तों, जो आपने देखी होगी कि जो पहले एल्टो K10 आती थी वो एक ये कह सकते थे कि एंट्री लेवल की सबसे प्रीमियम गाड़ी थी वो। उसमें जो है फिनिश, क्वालिटी, डिज़ाइन सब कुछ अच्छा था उसमें। इसमें इतना कुछ खास जो है वो मेरे को नहीं लगा पर्सनली। ओवरऑल गाड़ी जो है वो अच्छी है, लो मेंटेनेंस गाड़ी, आपको पता ही है सभी लोग जो है इस गाड़ी को सिटी के लिए जो है सबसे पहली पसंद जो है वो मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। छोटी सी गाड़ी है, यहाँ पर अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे को ये वाला एज जो है ऐसा लग रहा है, देखो अभी मैं आगे तरफ झुका भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा हाथ जो है यहाँ तक आ चुका है। और जैसे थोड़ा सा झुकता हूँ तो ये देखिए टच हो रहा है यहाँ पे पूरा। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट साइज जिसे हम बोलते हैं वो इस गाड़ी में है। एयरबैग की बैजिंग जो है वो को पैसेंजर साइड में मिलती है। इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग, ABS, उसके अलावा जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, रिवर्स सेंसर, सेंटर लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। इसके अंदर सेफ्टी फीचर जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो AC के कंट्रोल्स हैं ये कहीं ना कहीं मेरे को पुरानी वाली जो गाड़ियाँ आती थी उनकी याद दिलाता है, क्योंकि भाई ये एल्टो का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों। और इसमें भी जो है एयर कंट्रोल्स जो है वो आपको नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वो है कि भाई आज के टाइम जैसे फ्रॉन्क्स गाड़ी है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मारुति का एग्जाम्पल है, तो उसके बेस वेरियंट से ही जो है आपको ऑटो AC मिल जाती है। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर ये मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर डिजिटल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। ऑटो AC तो दूर की बात है। नीचे आपको जो है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, USB एंड OX का आउटलेट मिल जाता है। और देख सकते हैं कवर जो है वो दोनों का अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है।
यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, और स्पेस देख सकते हैं दोस्तों, कुछ समझ नहीं आया किस लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप मोबाइल भी नहीं रख सकते अच्छे तरीके से, वॉलेट वगैरह जो है वो आप अच्छे से रख सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे दो कप होल्डर जो है वो मिल जाते हैं आपको, 5-speed मैनुअल या फिर आपको 5-speed ऑटो गियर शिफ्टिंग जो है वो मिल जाते हैं, जिसे हम AGS बोलते हैं, जो कि सबसे एंट्री लेवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। उसके जस्ट पीछे आपको जो है मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाता है, और इसके नीचे भी जो है आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। अब भैया किस लिए दी गई है वो हमें नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें। उसके अलावा यहाँ पे ग्लो बॉक्स की बात करते हैं, तो डिसेंट साइज का ग्लो बॉक्स मिल जाता है आपको, इसमें आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो, और अगर आपके पास कोई रिवॉल्वर वगैरह है तो वो भी रख सकते हो। उसके अलावा IRVM जो है वो आपको नॉर्मल मिल जाता है, वो साइज भी काफ़ी छोटी है एकदम ऐसे। यहाँ पे जो आपको केबिन लाइट हेलोजन बल्ब में मिल जाती है, माइक की प्लेसमेंट, टिकट होल्डर जो है वो एक पन्नी के रूप में दिया गया है, मतलब ये जो सेम मटेरियल था इससे जो है यहाँ पे टिकट होल्डर जो है वो भी इनसे डिज़ाइन नहीं किया गया है। यही चीज़ जो है को पैसेंजर साइड है, यहाँ पे भी सेम वही पन्नी दे दी छोटी सी, भाई क्या करें इसका। और दोस्तों बात करते हैं MID की, तो वो आपको डिजिटल MID मिलती है। सबसे ऊपर आपको जो है डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे आपको एक छोटी सी डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, जिसमें आपको फ्यूल गेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर जो है वो शो होता है। उसके अलावा वार्निंग लाइट जो है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, दोनों साइड जो है वो आपको टॉगल्स दिए गए हैं, जिनसे आप जो है MID को ऑपरेट कर सकते हो। नीचे बात करें तो नीचे आपको जो है की होल जो है वो एलिमिनेटेड नहीं मिलता। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो है फिज़िकल बटन्स मिलते हैं, जो कि डमी बटन है, इनको जो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा एयर वेंट जो है वो आपको राउंड शेप में मिल जाता है, और नीचे जो है आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो मिल जाता है, ABC पैडल मिल जाता है, डेड पैडल जो है वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। और ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पर नॉर्मल आपको डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है, और ये डोर डंडी मिलती है आपको छोटी वाली, इससे जो है आप ORVM को कंट्रोल कर सकते हो, मीन्स अंदर से जो है आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों मेरे को जो है ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई टॉप वेंट में अगर कोई बंदा पैसे स्पेंड कर रहा है तो एटलीस्ट उसे ये कंट्रोल जो है वो तो मिल जाने चाहिए थे, कि भाई वो अंदर से बैठा बैठा जो है बाहर के शीशे जो है वो एडजस्ट कर सके। ये कोई बात थोड़ी हुई है दोस्तों, ऐसे ऐसे थोड़ी घुमाता रहेगा उसको पूरे टाइम। नीचे जो आपको बोटल स्पेस मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे जो आपको मैगजीन स्पेस जो है वो दिया गया है, और डोर को क्लोज करने के लिए जो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और दोस्तों एक बार आप इसका ओवरऑल इंटीरियर जो है वो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बाहर से जब आप इस गाड़ी में एंटर होते हो तो आपको ये फील नहीं होने वाला है कि भाई आप एक एंट्री लेवल एल्टो में बैठे हो, कहीं ना कहीं वैगनर वाली फीलिंग जो है वो तो आपको आने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सीट कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इनको जो है आप यहाँ से आगे पीछे स्लाइड जो है वो कर सकते हो, और नीचे ये देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये मारुति जो है वो नहीं सुधारती है, ऐसे नट्स जो है वो शो होते रहते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं लीवर जो है वो आपको मिल जाता है, बूट ओपन करने के लिए मिल जाता है, साथ में फ्यूल लीड ओपन करने के लिए जो आपको लीवर मिल जाता है। और दोस्तों अगर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 27 लीटर की जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं अगर बात करते हैं CNG के तो CNG में जो आपको 55 लीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है। तो दोस्तों ये था एल्टो K10 का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।